तो आइए आज हम बनाते हैं मिष्टी दोही। यह मिष्टी दोही खाने में बहुत टेस्टी रहता है। तो इसके लिए हमने ये आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया हुआ है और ये चीनी एक कटोरी ली है और एक चम्मच दही लिया हुआ है जमाने के लिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मिष्टी दोही। इसके लिए सबसे पहले हम दूध को बॉयल करने के लिए रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसको एक उबाल आने तक पका लेंगे। तो देखिए एक उबाल आ चुका है दूध में। अब हम इसको इस तरीके से चम्मच से हिला देंगे और इसको लगभग 5 मिनट तक गाढ़ा करने तक पकाएंगे। और इसमें 3 चम्मच हमने चीनी डाल दी है, पूरी चीनी अभी नहीं डाली है, सिर्फ 3 चम्मच चीनी डाली है। और चीनी पिघलने तक इसको पकने देंगे। इसको टोटल लगभग 5 मिनट तक उबालेंगे अभी हम। तो देखिए इस तरीके से चलाते हुए उबालें दूध को, क्योंकि इसमें हम चीनी डाल चुके हैं तो चीनी जलने ना लगे नीचे, इसलिए इसको चलाते हुए पकाएं। चीनी डालने के बाद टोटल हम इसको 5 मिनट तक लगभग उबालेंगे ताकि ये दूध हमारा अच्छे से उबल जाए और थोड़ा गाढ़ा हो सके। और बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे। चीनी हमारी गल चुकी है और बीच बीच में चलाते हुए थोड़ी देर हम इसको उबाल लेंगे दूध को। अब देखिए दूध को उबालते 5 मिनट हो गया है। हम इसको नीचे अलग उतार कर रख देते हैं और एक बर्तन में बाकी बची हुई चीनी डालकर पिघला लेंगे इसको। इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ चीनी डालकर इसको पिघलाएंगे इस तरीके से चलाते हुए। तो देखिए चीनी हमारी हल्की सी पिघलने लगी है। इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो चीनी नीचे चिपक जाएगी। चीनी का कलर चेंज होने तक इसको बिल्कुल जलाना है चीनी को। पहले तो ये पिघलेगी, उसके बाद इसका कलर चेंज होना शुरू होगा। तो देखिए इस तरीके से लगातार चलाते रहें। और चम्मच से इस तरीके से नीचे से चलाते हुए इसको पकाएं, नहीं तो नीचे जलने लगेगी। देखिए चीनी पिघलने के बाद इसका काफ़ी कलर चेंज हो गया है। इस तरीके इसका कलर चेंज हो जाता है चीनी जब पिघल जाती है, उसके बाद ये जब जलने लगती है तब उसका कलर इस तरीके से चेंज हो जाता है। अभी हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे तो इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। देखिए इस तरीके से चलाते हुए हम इसको और पका लेंगे थोड़ा सा। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे इसको, तब फिर इसमें मिलाएं मिक्स करेंगे। देखिए बिल्कुल गरम गरम, तुरंत चीनी उतारने के बाद तुरंत ना मिलाएं इसमें, हल्का सा ठंडा कर लें तब मिलाएं। और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डालते जाएं एक हाथ से और इस तरीके से दूध को चलाते जाएं। एक साथ ना डालें, नहीं तो पूरे उसमें जम जाएगा नीचे जाके। तो दूध भी हमारा हल्का ठंडा है और चीनी भी हमारी हल्की ठंडी है। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप देखिए दूध का कलर कितना चेंज हो गया है चीनी मिलाने के बाद। अब हम दूध को और ठंडा कर लेंगे। हम दूध को बिल्कुल, अब हम इसमें 1 चम्मच जो हमने दही लिया है वो डाल देंगे। दूध हमारा ठंडा हो चुका है एकदम से, तो आप ध्यान रखिएगा कि दूध एकदम से ठंडा हो जाए तभी डालें, क्योंकि हमने हल्के ठंडे में ठंडा हो गया था लेकिन हल्का सा गुनगुना था दूध, तब दही डाल दिया था तो दही हमारा उतना अच्छा नहीं जमा था। लेकिन आप इसको एकदम से ठंडा कर लें,
जितना ठंडा हो जाएगा तभी आप दही डालिए, तो वो उतना ही अच्छा और चिकना दही जमेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया दही को दूध के साथ। और उसके बाद अगर आपके पास पास कोई मिट्टी का बर्तन है तो आप उसमें जमा सकते हैं, लेकिन मेरे पास मिट्टी का बर्तन नहीं है इसलिए हम इस तरीके से स्टील की कटोरियों में जमा रहे हैं। आप किसी भी बर्तन में दही जमा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से दो कटोरियों में डालकर हमने इसको जमा दिया है, और जमने के लिए अब हम इसको लगभग 5 घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि अभी गर्मियां हैं बहुत जल्दी जमकर तैयार हो जाता है, लेकिन अगर आप सर्दी में बना रहे हैं तो उसको कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाएगा जमने में, और गर्मियों में तो 4 से 5 घंटे में दही जमकर तैयार हो जाता है। तो देखिए इसको हमने रख दिया है, अब हम मिलते हैं आपसे 5 घंटे बाद। तो देखिए 5 घंटे में हमारा दही कितना अच्छा जम चुका है, लेकिन दूध हमारा हल्का गुनगुना था इसलिए देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा इस समय पड़ रही है इसलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं जम पाया है, लेकिन फिर भी दही हमारा जम गया है, एकदम चिकना नहीं हुआ है क्योंकि फटा फटा सा लग रहा है क्योंकि गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्री में सब्सक्राइब कीजिए शशि का किचन यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन दबाइए टेस्टी कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।